मेरी आवाज आ रही है आप लोग को और स्क्रीन दिख रही है तो चैट पे रिप्लाई करो, और सभी लोग को एनरोलमेंट नंबर एंटर करना है। डोंट लेट मी रिमाइंड यू, याद से एनरोलमेंट नंबर जैसे एंटर हो गए वैसे एनरोलमेंट नंबर एंटर करने का, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो हमारा सब्जेक्ट है उसका कुछ पुराने प्रोग्राम के साथ कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। कुछ पुराने प्रोग्राम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, फिर भी कुछ प्रोग्राम्स को मैं आपको वापस से रिवाइज करा रहा हूँ ताकि हमको याद आए कि पिछला प्रोग्राम हमारा कैसा था और अभी कैसा है। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं चैट पे रिप्लाई करो, और ये सब्जेक्ट में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है। सबको रिप्लाई करना है, अगर रिप्लाई नहीं आया मेरे को मैं एबसेंट कंसिडर करूंगा, मैं नॉर्मल नंबर आपका एंटर लूंगा ही नहीं। ओके, प्रोग्रामिंग इन सी, अगर हम सी में प्रोग्राम करते हैं तो सबसे पहले तो हेडर फाइल लेते हैं, फिर उसके बाद हम कोनियो डॉट एच लेंगे, है ना। फिर उसके बाद हम मेन फंक्शन लेंगे, मेन फंक्शन में अगर मेरे को कुछ करना है जैसे इंटीजर टाइप का दो वेरिएबल लिया ए एंड बी और उसका एडिशन सम में चाहिए तो हम पुराना आउटपुट हटाने के स्क्रीन क्लियर करेंगे, प्रिंट एफ फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे ताकि हम यूजर को बोल सके कि एंटर वैल्यू ऑफ ए, और फिर स्कैन एफ के थ्रू हम नया वैल्यू लेके इधर परसेंट डी आएगा और फॉर्मेट स्पेसिफायर और यहाँ पे एम परसेंट आएगा, है ना, इनपुट लेने के लिए ताकि हम जो इनपुट लेंगे वो पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे चला जाए। वैसे ही प्रिंट प्रिंट एफ भी एंटर बी वैल्यू भी लेके ये भी मैसेज डिस्प्ले करेगा, फिर स्कैनर के अंदर इसकी भी हम लोग इसी तरीके से वैल्यू इनपुट लेंगे, फिर देन हम लोग सम इक्वल टू ए प्लस बी करेंगे, कैलकुलेशन वाला पार्ट आ गया ही है। फिर जो आंसर आता है स्लैश एन करके सम इक्वल टू परसेंटेज डी करेगा, फिर सम इक्वल टू परसेंटेज डी ये सम को रेफर करेगा और परसेंट डी जो ये सम को रेफर कर रहा है तो आपको वैल्यू में जो आउटपुट फाइनल आउटपुट आएगा वो सम इक्वल टू के बाजू में आएगा, और बार बार मेरे को लाइन छोड़नी रहती है तो मैं स्लैश एन का इस्तेमाल कर ले रहा हूँ, है ना। और फिर गेट सी एच के खत्म, आउटपुट अगर देखना है मुझे तो एंटर वैल्यू ऑफ ए करे तो हम लोगों ने 10 किया तो एंटर वैल्यू ऑफ ए ये तो मेरे को प्रिंट एफ की लाइन से आता है और 10 अपने को यहाँ से जाएगा, वैसे एंटर वैल्यू ऑफ बी फिर बी अपने को यहाँ से जाएगा, अब कैलकुलेट होगा 8 10 प्लस 20 और फिर मेरे को आंसर यहाँ पे लिखकर आएगा सम इक्वल टू 30, ठीक है। ये तो नॉर्मल तरीका था, ये सब हम लोगों ने पहले भी पढ़ चुके हैं सी प्रोग्रामिंग के अंदर, है ना, नॉर्मल सिंपल सा प्रोग्राम है ये। द वे ऑफ एग्जीक्यूशन कैसा था, अगर वे ऑफ एग्जीक्यूशन देखोगे तो लाइन बाय लाइन था, तो ऊपर से नीचे की तरफ ऊपर से नीचे की तरफ जहाँ पे प्रोग्राम वॉइड मेन से शुरू हो रहा है रन होना, फिर यहाँ पे आए फिर ये दो वेरिएबल लेगा फिर एक वेरिएबल और लिया फिर पुराना आउटपुट क्लियर किया, एंटर वैल्यू ऑफ ए लिखे यूजर से मांगे वैल्यू ऑफ बी करे फिर यूजर से मांगे फिर कैलकुलेशन करे सम वैल्यू को प्रिंट करे गेट सी एच करे खत्म। तो इस तरीके से हमारा सी प्रोग्रामिंग रन होता था, मगर अगर मैं आपको याद दिलाऊं कि एक्सपेरिमेंट नंबर जो 1 to 5 है महबूब के सब्जेक्ट के अंदर उसमें हमको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड प्रोग्राम नहीं करना है, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 to 5 में हमको प्रोग्राम काय में करना है, प्रोसीजर ओरिएंटेड में ही करना है। टोटल 19 एक्सपेरिमेंट है, अगर आपको एक्सपेरिमेंट नंबर 1 to 5 ये जो है ना ये प्रोसीजर ओरिएंटेड ही करना, मतलब करेंगे प्रोग्राम हम लोग सी प्लस प्लस में मगर रहेगा प्रोसीजर ओरिएंटेड सी की तरह, प्रोग्राम रहेगा सी प्लस प्लस में करेंगे मगर आउटपुट हमको जो आएगा जो वे ऑफ एग्जीक्यूशन होगा वो सी की जैसा होगा। एक्सपेरिमेंट नंबर 6 to 19 जो है ये एक्चुअली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, क्या है
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ये प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्राम्स हैं यहाँ पे जितने हैं, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम, मगर इसमें से एक्सपेरिमेंट नंबर वन और एक्सपेरिमेंट नंबर फाइव ये हमको मैंडेटरी करना है, टू थ्री और फोर नहीं करेंगे तो चलेगा, ठीक है। ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था मैनुअल के ताल्लुक से। तो अभी जो स्टार्टिंग के पांच एक्सपेरिमेंट्स है जिसमें आपको वन टू थ्री फोर में से वन और फाइव कंपलसरी है, तो इसके अंदर भी प्रोग्राम पॉप में ही करना है, मतलब प्रोसीजर ओरिएंटेड में ही करना है। तो यही प्रोग्राम अगर मैं प्रोसीजर ओरिएंटेड में करता, मतलब ये सेम प्रोग्राम जो लेफ्ट साइड पे सी में दिया है उसको मैं कायम कर रहा हूँ सी प्लस प्लस में, तो मुझे ये बताओ अगर सी प्लस प्लस में मैं पहला प्रोग्राम करता हूँ तो व्हाट विल बी द माय फर्स्ट हेडर फाइल। चैट पे रिप्लाई करो, सबको रिप्लाई करना है। iostream.h बराबर, वेरी गुड। तो h इंक्लूड iostream.h लिखेंगे stdio के डॉट के बजाय। Why we are writing iostream.h, क्यों लिखते हैं हम लोग, क्या रीजन है, कोई बताएगा क्या किस वजह से हम iostream.h लिख रहे हैं। C++ है ठीक है, वो तो C++ है इसलिए कर तो रहे, मगर जैसे हमारा यहाँ पे printf और scanf था तो हम लोग ने stdio.h लिया, वैसा ही हमारा iostream.h क्यों ले रहे हैं, अभी बताओ, किसी ने आंसर दे चुका ऑलरेडी। सीन वेरी गुड, उमेर सी आउट सीन फेर वेरी गुड, सी प्लस प्लस की लाइब्रेरी है नहीं अभी फिलहाल इस प्रोग्राम, क्योंकि देखो लेफ्ट साइड पे जो प्रोग्राम है ना सेम प्रोग्राम में राइट साइड पे करने वाला, ठीक है, बस फर्क सिर्फ एक ही चीज का आने वाला है, वो आप लोगों चैट पे बता। मैक्सिमम लोग करेक्ट आंसर दिए हैं सी आउट एंड सी, तो सेम प्रोग्राम में हम लोग कोनियो डॉट एच फिर से ले रहे हैं, वर्ड मेन लिया, इंटीजर ए लिया, बी लिया, सम लिया, पुराना आउटपुट क्लियर किया, देखो सी एल आर एस सी आर यहाँ पे भी आ रहा है, बिकॉज सी एल आर एस सी आर इज अ फंक्शन ऑफ विच लाइब्रेरी, फटाफट रिप्लाई करो चैट पे, सी एल आर एस सी आर फंक्शन किस लाइब्रेरी का है। कोनियो डॉट एच, वेरी गुड वेरी गुड। फिर देखो यहाँ पे फर्क हो गया ना, सी आउट देखो यहाँ प्रिंट एफ लिखा था, यहाँ पे सी आउट लिखा है, यहाँ पे एक्सर्शन ऑपरेटर है, सॉरी इंसर्शन ऑपरेटर है, ये जो लेस देन की साइन है इसको हम लोग इंसर्शन ऑपरेटर बोलते हैं। इंसर्शन क्यों, क्योंकि इनवर्टेड कॉमा में जो कुछ है उसको इंसर्ट करेगा मॉनिटर पे, मतलब डिस्प्ले पर्पज, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो एंटर वैल्यू ऑफ ए equal to, तो enter value of a equal to क्या ये ऐसी value है जो बस print होगी, तो it is will be inserted into the monitor screen, वैसे तो scene से फिर हम लोग क्या करेंगे, scene से value of a user से मांगेंगे, अब value जब user से मांग रहे हैं तो it is something similar to scanf, बराबर scanf के जैसा input user से ले रहे हैं, हाँ but what has been convenient now, previously we were using format specifier and the address operator, है ना, ampersand operator, तो format specifier and ampersand operator are no longer needed in C++. This has become convenient and easy enough to take the input from the user. And this operator which you see the two greater than sign are nothing but extraction operator. What is they are known as? Extraction. Extraction का मतलब getting something out from something else. मतलब किसी से बाहर निकालना. तो वैसे keyboard से हम चीजें ले रहे हैं तो keyboard से लेकर computer को दे रहे हैं ना, तो we are extracting the value from the keyboard. बराबर वैसे ही फंडा है. तो similar fashion में we are taking the value, enter the value of v and we are using slash n to take the to print this sentence in the next line.
अगेन वी आर ट्रेकिंग अ वैल्यू इनपुट फ्रॉम यूजर इन द वेरिएबल बी एंड वी आर कैलकुलेटिंग ए प्लस बी इक्वल टू सम. प्रोग्राम इज 95% सिमिलर टू द सी प्रोग्राम इफ यू आर राइटिंग यूजिंग प्रोसीजर ओरिएंटेड इन सी प्लस प्लस एज वेल. Now, something new had appeared in this line. What is that something new? Chat pe likho, fatafat. Kuch toh naya dikha. Wo naya kya hai? Last line jo abhi dekh rahe hai na. It is end L. पूरा दिखना है एंड एल. सिर्फ एंड नहीं है, एंड के साथ एल भी है. एवरीबॉडी हैव टू पार्टिसिपेट. पीपल हु आर नॉट रिप्लाइंग टू माय क्वेश्चंस आई विल कंसीडर देम टू बी एज एब्सेंट. एंड एल जो है, एंड एल इज नथिंग बट इट इज एक्चुअली सिमिलर टू माय स्लैश. अगर आप देखोगे इसका आउटपुट भी और इसका आउटपुट. देखो पहले मैं आउटपुट दिखा देता हूँ. गेट सी एच करोगे तो आपको आउटपुट सेम फैशन में आएगा. एंटर वैल्यू ऑफ ए आप 10 डाले, एंटर वैल्यू ऑफ बी आपने 20 डाला, देन फाइनली सम इक्वल टू 30. आंसर सेम है ना. तो हुआ क्या है यहाँ पे, आई हैव यूज्ड मेक यूज्ड ऑफ एंड एल. दिस एंड एल is similar to a slash n. फर्क इतना होता है कि slash n जब भी लिखते हैं तो inverted comma के दरमियान में लिखते हैं, within this inverted comma. तो ये inverted comma के बीच में लिखना है हमेशा slash n को. That is mandatory for us. मगर अगर कैसी ऐसी जरूरत पड़ी जहाँ पे हमको चीजों को बाहर slash n की जरूरत पड़ी तो slash n को हम लोग बाहर तो नहीं लिख पाएंगे. तो लाइन को एंड करना है. तो लाइन को एंड करना था. एंड एल मतलब एंड द लाइन, एंड द लाइन. तो एंड एल से क्या होगा, ये वाली लाइन जो है वो यहाँ पे खत्म हो जाए. तो मतलब ये लाइन यहाँ खत्म हो गई तो आप नेक्स्ट लाइन पे आ जाओगे, और जब नेक्स्ट लाइन पे आओगे तो सम इक्वल टू प्रिंट होगा. होप दिस मेक्स इट क्लियर. नथिंग बट एंड एल इज सिमिलर टू योर स्लैश एल. फर्क इतना है कि इट शुड बी इनसाइड द इनवर्टेड कॉमा एंड एंड एल कैन ऑपरेट फ्रॉम आउटसाइड द इनवर्टेड कॉमा एज वेल. ठीक है, होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल. किसी को कोई डाउट है दे कैन आस्क मी द क्वेश्चन. ओके, सेकेंड थिंग नोटिसेबल इज के एवरीथिंग इन सी प्रोग्रामिंग इज एग्जीक्यूटेड बाय लाइन बाय लाइन. हर चीज मेन फंक्शन से एग्जीक्यूट होती है, एक एक लाइन करके एग्जीक्यूट होती है. दिस आई हैव ऑलरेडी टॉट यू ड्यूरिंग द लास्ट सेमेस्टर राइट. मगर इसको इसी चीज को बोलते जब थिंग्स आर एग्जीक्यूटिंग लाइन बाय लाइन, मतलब एक एक करके लाइन बाय लाइन हो रही है, फ्रॉम टॉप टू द बॉटम की तरफ जा रहा है वो, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पॉप. क्या बोलते हैं? प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ठीक है, इन सिमिलर फैशन सी प्लस प्लस में भी हम वही यूज कर रहे हैं, लाइन बाय लाइन ही चल रहा है. मगर हम सी प्लस प्लस में सब कुछ लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो रहा है. अगर आप गौर से देखो पूरा का पूरा वे ऑफ एग्जीक्यूशन सेम है, लाइन बाय लाइन ही एग्जीक्यूट हो रहा है ना. तो यहाँ पे हमने प्रोसीजर ओरिएंटेड का कंसेप्ट यूज किया मगर इनसाइड सी प्लस, ये एक फर्क है. ठीक है, सी आउट सीन क्या है मैं आता हूँ उस पर. सीन एंड सी आउट स्पेशली वापस एक बार दिखा रहा हूँ. सीन जो है वो यूजर लेने के लिए होता है, इनपुट लेने के लिए. तो जब भी हम सीन का इस्तेमाल करेंगे वेरिएबल का नाम लेंगे ताकि वी कैन टेक द इनपुट फ्रॉम द यूजर जस्ट लाइक सी इन ए आई. फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को वैल्यू ऑफ ए चाहिए तो आई नीड टू टाइप सीन ए, खत्म. नो नीड टू स्पेसिफाई फॉर्मेट स्पेसिफायर और एम्परसेंड ऑपरेटर. अगेन सी आउट भी क्या है,
Cout is to display the value of over to the monitor, just to display the value. Just it is similar to your printer. Okay, अपने माइक बंद करो. और सीन इज सिमिलर टू योर स्कैनर. ठीक है, इट इज सिमिलर टू योर स्कैनर. और सीआउट जो है वो कोई वेरिएबल्स की वैल्यू को डिस्प्ले करना है या इन्वर्टेड कॉमा के अंदर से कोई मैसेज को डिस्प्ले करना है, तो देन वी मेक यूज ऑफ सीआउट. ठीक है, सो सीआउट में आप मैसेज डिस्प्ले कर सकते हो. तो यहाँ पे हम लोग मैसेज डिस्प्ले करने का मतलब, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हम लोग लिख रहे थे ना, क्या लिखे थे, एंटर वैल्यू ऑफ ए, सो दिस बिकम माय मैसेज. और इधर पे क्या था, सीआउट, सीआउट वेरिएबल का नाम, जैसे आंसर में तो आया था सम में, तो सम लिखेंगे. ठीक है, सो इसको हम लोग बोलते क्या, बेसिकली लेस देन साइन इज नोन एज इंसर्शन ऑपरेटर. लेस देन साइन इज नोन एज इंसर्शन. इंसर्शन मतलब वी आर इंसर्टिंग सर्टेन वैल्यू सर्टेन टेक्स्ट ओवर द मॉनिटर. तो जो कुछ हम लोग सीआउट में लिखकर ऐसा लिखते हैं और फिर लिखते हैं जो कुछ, तो ये इंसर्ट हो रहा है. क्या हो रहा है, इंसर्ट हो रहा है, इस वजह से उसको हम लोग इंसर्टिंग बोलते, इंसर्ट इंसर्शन ऑपरेटर बोलते. तो एग्जांपल के तौर पे सीआउट एंटर द वैल्यू ऑफ ए. वैसे ही एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर जो है, जो ग्रेटर देन की दो बार साइन लेता है, इट इज यूज्ड विद सीन. तो उस एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट द वैल्यू फ्रॉम द कीबोर्ड एंड गिव इट टू योर मशीन. तो आप कीबोर्ड से वैल्यू डालोगे तो ऑब्वियसली उसको कोई लेने वाला चाहिए, तो वो एक्सट्रैक्ट करेगा. एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर जैसे कि सीन नंबर वन, सीन. तो यहाँ पे सीन के अंदर जैसे फॉर एग्जांपल इससे पहले हमने ये लाइन लिखा, तो इनपुट तो यहाँ हो रहा नहीं है. इनपुट कराने के लिए उसी जगह पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, सीन ए. तो ए में जो भी कर रहे थे तो ए में वैल्यू चली जाएगी. तो यहाँ पे नंबर, उसने नंबर वन लिखा है, दैट इज ऑल्सो अ वेरिएबल. ठीक है, so this is how insertion and extraction are known as. ये बस एक सेंटेंस का लाइन है, याद रखना है इसको, और उसके नाम याद रखना है. इंसर्शन मतलब इंसर्ट करना, जो कि डिस्प्ले करने के लिए काम आ जाएगा, तो वो प्रिंटफ हो गया. प्रिंटफ की लाइन में जैसे हम लोग यूज करते हैं वैसा हो जाएगा. एक्सट्रैक्शन का मतलब है कीबोर्ड से वैल्यूज को लेना है, कंप्यूटर को देना है. वी नीड टू थिंक इन अ पर्सपेक्टिव ऑफ मशीन, नॉट ह्यूमन बीइंग, राइट. ओके, आगे बढ़ते हैं. नाउ एक्चुअली में अब हम जो करने वाले हैं, दैट विल बी सी प्लस प्लस एक्चुअल प्रोग्राम. तो सी प्लस प्लस का जो प्रोग्राम है ऊप के कंसेप्ट से, वो उसका एक बस ब्लूप्रिंट देखेंगे हम लोग आज. ब्लूप्रिंट मतलब किस तरीके से दिखता है. तो पहला तो हमको हेडर फाइल लगेगी. हेडर फाइल कौन सी रहेगी, iostream.h रहेगी. इसके अलावा जो भी दूसरी हेडर फाइल लगेगी वो सब सी में भी अवेलेबल है, एंड दे आर रिलेवेंस टू कॉस्ट शीट. लाइन वाइन बनाना बंद करो. हेडर फाइल लाइक ई हैज इंक्लूड iostream.h. ओके, फिर नीचे का पार्ट जो रहेगा प्रोग्राम में, यहाँ पे थोड़ा सा प्रोग्राम को एक सेक्शंस में बना रहा हूँ. देखो पूरा प्रोग्राम ये बॉक्स में आएगा. कौन सा बॉक्स, ये जो भी बॉक्स अभी आएगा, भी ये पूरा सिंगल बॉक्स में मेरा पूरा प्रोग्राम है. मतलब समझो मैंने यहाँ पे प्रोग्राम बनाया इंट्रो डॉट सी पी पी. तो ये प्रोग्राम पूरा का पूरा डब्बे के अंदर ये पूरा प्रोग्राम है. अभी ये जो पहला बॉक्स देख रहे हैं आप, इट इज एक्चुअली हेडर फाइल बॉक्स. क्या है वो, हेडर फाइल बॉक्स है. फिर इसके अंदर नीचे वाला पार्ट जो है वो मेरा, यहाँ पे वी आर मेकिंग क्लास. क्लास को देखो कैसे दिखता है,
क्लास, क्लास का नाम ओपन करली ब्रैकेट, फिर बीच में कुछ होगा, लास्ट में क्लोज करली ब्रैकेट के पास सेमी कोलन रहता है, क्या रहता है, सेमी कोलन रहता है। तो क्लास वापस से देख लो, क्लास कैसा रहेगा, क्लास, क्लास को एक नाम देना है, ओपन करली ब्रैकेट, क्लोज करली ब्रैकेट, सेमी कोलन। इस तरीके से आपको क्लास क्लियर बनाना है। अब क्लास के अंदर दो चीजें आती हैं, अब वो दोनों चीजों की भी काम अलग तरीके की होते हैं। पहला हिस्सा होता है प्राइवेट, जो कि लाल लाल मैंने रखा है, प्राइवेट चीजें मतलब जो आप किसी से शेयर नहीं करोगे, प्राइवेट ऐसी चीजें होती है जो आप किसी से शेयर नहीं करते। और फिर पब्लिक, प्राइवेट के अंदर ही, प्राइवेट के अंदर है हम लोग इंटीजर वेरिएबल्स, फंक्शंस, वो सब डिक्लेयर कर सकते हैं। तो उन वेरिएबल्स को क्या बोलते हैं, मेंबर वेरिएबल, क्या बोलेंगे, मेंबर वेरिएबल। कोई भी चीज चाहे इंटीजर वेरिएबल हो, फ्लोट हो, कैरेक्टर हो, कोई भी डेटा टाइप्स आप डिक्लेयर करते हो, इस हिस्से में प्राइवेट, प्राइवेट नहीं सी पूरे के पूरे प्रोग्राम में, तो वो चीजों को प्राइवेट वेरिएबल्स, प्राइवेट मेंबर कहा जाता है। फिर दूसरा पार्ट आता है पब्लिक, पब्लिक मतलब इट इज एक्सेसिबल आउटसाइड, वो बाहर से भी उसका इस्तेमाल होगा। बाहर का मतलब क्या, इस क्लास के बाहर जो ब्लू वाला बॉक्स है, उस क्लास के बॉक्स के बाहर भी उसको हम एक्सेस कर पाएंगे। तो इधर पे एक चीज है जो एक्सेस हो सकती है वो है पब्लिक, और एक चीज है जो एक्सेस नहीं हो सकती है वो है प्राइवेट। अब पब्लिक के अंदर भी आप क्या डाल सकते हो, इधर भी मेंबर वेरिएबल्स या मेंबर फंक्शंस डालो, जैसे कि दिस वॉइड डिस्प्ले, या वेरिएबल के नाम भी डाल सकते हो, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। मगर यहाँ पे स्पेसिफिकली मैंने फंक्शन को रखा हूँ, क्योंकि फंक्शन आप बिना पब्लिक प्राइवेट किए, प्राइवेट को पब्लिक किए नहीं कर सकते। तो मुझे सब लोग चैट पे ये बताओ, ऐसा कौन सा सेक्शन है क्लास का जो बाहर एक्सेस नहीं करने देगा। चैट पे प्लीज फटाफट, सभी को रिप्लाई करना, इफ यू आर नॉट रिप्लाइंग आई विल कंसीडर यू एज एब्सेंट। रोल नंबर इज नॉट आंसर, आंसर इज प्राइवेट, ठीक है। रोल नंबर तो वो वेरिएबल का नाम, अंदर कुछ भी हो सकता है, रोल नंबर हो सकता है, नेम हो सकता है, वेरिएबल, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट में कुछ भी हो सकता है, इवन फंक्शन भी हो सकता है। और ऐसी चीज क्लास की जो आप एक्सेस कर सकते हो वो बता, बाहर एक्सेस कर सकते हो, उसको क्या नाम दिया है, पब्लिक। वेरी गुड, याद रहे स्पेलिंग करेक्ट लिखने का, सम पीपल आर राइटिंग कैपिटल टी, दैट इज रॉन्ग। हालांकि आपका इंटेंशन सही है, दैट नो वरीज, बट रिमेंबर टू यूज स्पेसिफिक वर्ड, ठीक है, मतलब पब्लिक है ना। और नोटिस करने की चीज ये है कि इफ यू सी केयरफुली देयर इज अ कोलन हियर, यहाँ पे कोलन है, ठीक है, और प्राइवेट पे भी पब्लिक पे भी, प्राइवेट पे भी पब्लिक पे भी। तो प्राइवेट और पब्लिक, इसको, इन दोनों चीजों को हम लोग बोलते हैं एक्सेस स्पेसिफायर, क्या बोलेंगे, एक्सेस स्पेसिफायर। इसको प्राइवेट और पब्लिक को क्या बोलते हैं, एक्सेस स्पेसिफायर। चैट पे रिप्लाई करो फटाफट, सभी को लिखना है चैट पे। एक्सेस स्पेसिफायर, ये स्पेसिफाई करता है कि किसको क्या एक्सेस दिया जाए, मतलब बताने का ये कि भाई ये प्राइवेट इसको एक्सेस दिया जाए, इसको पब्लिक एक्सेस दिया जाए, तो ये स्पेसिफाई कर रहा है ना,
ये रोल नंबर प्राइवेट रहेगा, इसको आप स्पेसिफाई कर दिए कि इट विल बी एक्सेस स्पेसिफायर विल बी प्राइवेट, और दिस एक्सेस फंक्शन विल बी पब्लिकली अवेलेबल। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ, इन शॉर्ट अगर एक लेमैन लैंग्वेज के जैसा बोलूँ, जैसे स्टूडेंट क्लास का नाम स्टूडेंट है, तो आप स्टूडेंट हैं, आपके पास घर पे समझो आप क्लासरूम में बैठे हैं और दोस्तों के साथ, जो कि आजकल नहीं हो रहा है, ऑनलाइन ही चल रहा है। ऑफलाइन में समझो आप क्लासरूम में बैठे हैं और आपके दोस्त ने आपसे आपका मोबाइल मांगा, क्या मांगा? आपका मोबाइल। तो मैक्सिमम केसेस में आप मोबाइल नहीं दोगे, क्योंकि दैट इज ए प्राइवेट प्रॉपर्टी, राइट? प्राइवेट प्रॉपर्टी है, आप उसको अपना आपका मोबाइल क्यों दोगे? आपके मोबाइल में क्या है वो आपकी चीज है, तो दैट बिकम प्राइवेट, बराबर। वो स्टूडेंट का वो मोबाइल क्या बना? प्राइवेट बना। तो यहाँ पे वैसे मैंने रोल नंबर बना, तो रोल नंबर भी इंसान का अपना खुद का जाति पर्सनल ओन रोल नंबर होता है। आप अपना एनरोलमेंट नंबर किसी और के साथ शेयर कर सकते हो क्या? बोलेगा ले मेरा एनरोलमेंट नंबर तू ले ले, ऐसा चलेगा? नहीं चलेगा ना। तो दैट बिकम प्राइवेट, वैसे एनरोलमेंट नंबर हो या रोल नंबर हो, दैट स्टफ लाइक दैट आर नोन एज प्राइवेट, विच कैन नॉट बी शेयर्ड। हाँ, अब सपोज आपका दोस्त ने आपसे पेन मांगा, क्या मांगा? पेन। अब पेन तो कोई भी देता है ना, तेरे पास दूसरी पेन है क्या, टू पेन है क्या, ऐसा पूछते हैं ना लिखते लिखते। तो डिस्प्ले इज समथिंग लाइक दैट के वो स्टूडेंट अगर आप उसे मांगते हो तो वो आपको देने के लिए हिचकिचाएगा नहीं, तो दैट कम्स अंडर पब्लिक पार्ट, दैट कम्स अंडर पब्लिक पार्ट। इसके अलावा एक और है प्रोटेक्टेड, जो थर्ड चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? प्रोटेक्टेड तो थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे, फिलहाल के लिए दो ही चीज को याद में रखना है, ठीक है? अब क्लास बनाया हम लोगों ने, क्लास के अंदर वेरिएबल्स, जिसको मेंबर वेरिएबल बोलेंगे, अगर फंक्शन रहा तो मेंबर फंक्शन बनेगा, और इन चीजों को, चाहे वो मेंबर फंक्शन हो या मेंबर वेरिएबल हो, उनको हम लोग एक्सेस स्पेसिफायर के थ्रू एक्सेस स्पेसिफाई कर देते हैं, ताकि उनको कौन इस्तेमाल करे कौन नहीं इस्तेमाल करे। वैसे ही मेन फंक्शन से हम अभी देखो, ये जो मेन फंक्शन है, जो क्रीम कलर का बॉक्स है, ये जो क्रीम कलर का बॉक्स वाला फंक्शन है, इट इज आउटसाइड द क्लास, बराबर। सब लोग लिख के डालो चैट पे, क्या है वो मेन फंक्शन? इट इज आउटसाइड द क्लास, है ना? देखो प्रोग्राम के अंदर जरूर है, इट इज इनसाइड डॉट सीपीपी प्रोग्राम, बट आउटसाइड द क्लास। एवरीबडी टाइप दैट मेन फंक्शन इज आउटसाइड द क्लास, रिमेम्बर दिस, बट इट इज इनसाइड डॉट सीपीपी प्रोग्राम, इंट्रो डॉट सीपीपी प्रोग्राम के अंदर ही है। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि मेन फंक्शन से, अब ये जो स्टूडेंट है ना, ये स्टूडेंट को हम लोग को मेन फंक्शन में एक बार लिखना पड़ेगा। अब इन इनके अंदर की चीजों को अगर मुझे इस्तेमाल करना है, वैसे क्लास के अंदर चीज क्या है? रोल नंबर है और डिस्प्ले फंक्शन। अगर मुझे इसको इस्तेमाल करना है तो आई नीड टू मेक यूज ऑफ समथिंग नोन एज ऑब्जेक्ट, सो दिस इज माय ऑब्जेक्ट। ये क्या बना, ये क्या बना? एस इज व्हाट, व्हाट इज एस? रिप्लाई फटाफट चैट पे, एस इज ऑब्जेक्ट, एस इज ऑब्जेक्ट। एवरीबडी एवरीबडी, एस इज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट किसने ऑब्जेक्ट लिखा? ऑब्जेक्ट। अब मेरे को बताओ, कैन आई एक्सेस रोल नंबर और कैन आई एक्सेस डिस्प्ले, इन दोनों में से कौन सा एक्सेस होगा? वन टाइप करो अगर रोल नंबर, टू टाइप करो अगर डिस्प्ले। अगर दोनों अगर एक्सेस हो सकता है तो आप वन और टू दोनों कर सकते हो। अली हसन का क्वेश्चन है, सर क्लास क्यों यूज कर रहे हो? अभी तो फिलहाल समझ के लो क्लास चीज क्या है, क्लास क्यों यूज कर रहे हो वो आगे मैं बताऊंगा, क्योंकि क्लास हमारे पास वो एडवांटेज डिसएडवांटेज वाला पार्ट आएगा ना, तब बताता हूँ, ठीक है? अली हसन, इन शॉर्ट बोलू, जब प्रोग्राम सी प्रोग्रामिंग में अगर मैं कोई सॉफ्टवेयर बनाऊं तो मैं 10,000 लाइन तक का तो सॉफ्टवेयर बना सकता हूँ, मगर जब मेरी जरूरत बढ़ती जाती है, समझो 1 लाख तक की लाइन की
सॉफ्टवेयर, 1 लाख लाइन कोडिंग की बात कर रहा हूँ, 1 लाख लाइन कोडिंग की प्रोग्राम की बात। तो माय सी प्रोग्रामिंग में दैट्स टाइप्स ऑफ प्रोग्राम सॉफ्टवेयर बिल्डिंग बिकम्स डिफिकल्ट, सॉफ्टवेयर बनाना डिफिकल्ट होता है। तो C++ मेक्स इट इजी फॉर अस, हमारे प्रोग्राम बढ़ते जाएंगे, उनकी लाइंस बढ़ती जाएगी, 100-200 लाइन से फिर हम पहुंचेंगे 1-2 लाख लाइन तक प्रोग्राम टाइप करते करते। तो क्या होगा, इससे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, कॉम्प्लेक्सिटी अगर बढ़ जाती है तो हमको समझने में फिर से डिफिकल्टी आती है, या प्रोग्राम जिसने लिखा उसको तो समझ में आ जाएगा मगर किसी और प्रोग्रामर को वो नहीं समझेगा। यही रीजन है कि C++ मेक्स इट इजी फॉर अस टू डू अ बिग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। ओके, पीपल हैव रिटन टू, मैक्सिमम पीपल हैव रिटन टू, दैट इज वेरी गुड। तो अगर मुझे देखो दिस पब्लिक बोला ना मैंने, और क्लास के मेन फंक्शन कहाँ है, क्लास के बाहर है, तो ऑब्वियसली हमको एक्सेस स्पेसिफायर के मुताबिक ही चीजों को एक्सेस करने मिलेगा, और एक्सेस कौन हो पाएगा, जो पब्लिक है, जो ग्रीन कलर का है। तो दिस टू इज गोइंग टू बी एक्सेस आउटसाइड द क्लास। तो अब उसको एक्सेस करने का तरीका कैसे है, ऑब्जेक्ट का नाम लेंगे, डॉट ऑपरेटर डालेंगे, फिर उस पर्टिकुलर फंक्शन का नाम लिखेंगे जिसको मुझे एक्सेस करना है, फिर खत्म। तो अब ये जो डॉट ऑपरेटर है ना, ये डॉट ऑपरेटर, इसको बोलते हैं एक्सेस ऑपरेटर। क्या बोलते हैं, एक्सेस ऑपरेटर। तो कुछ टेक्निकल चीजें आज आप सीख रहे हो, एक है एक्सेस स्पेसिफायर, एक है एक्सेस ऑपरेटर। एवरीबॉडी राइट व्हाट इज डॉट हियर, ये डॉट क्या है, एवरीबॉडी हैव टू राइट ऑन द चैट व्हाट इज दिस डॉट हियर, एक्सेस ऑपरेटर, एवरीबॉडी हैव टू राइट। और हमने कैसे एक्सेस किया, ऑब्जेक्ट का नाम लिखा, डॉट डाला, और जिसको एक्सेस करना था उसका नाम डाला। तो जो एक्सेस करना है वही चीज हम लोग को एक्सेसिबल होगी, मतलब वी आर एक्सेसिंग दिस फंक्शन, हाँ, बट वी कैन नॉट एक्सेस दिस। तो डायरेक्ट एक्सेस, इसको बोलते हैं डायरेक्ट एक्सेस। क्या बोलेंगे, डायरेक्ट एक्सेस, डायरेक्टली ऑब्जेक्ट का नाम डाला बाहर से और उस फंक्शन को लिख दिया, एक्सेस हो गया। बट मुझे इसका इस्तेमाल करना है, अभी किसी के दिमाग में आएगा सर जब इसको इस्तेमाल ही नहीं करते कर सकते तो लिख कर फायदा क्या है ना, अगर हम इसको प्राइवेट वाले वेरिएबल को इस्तेमाल ही नहीं कर सकते तो इसका लिख के फायदा क्या। तो इसको हम इनडायरेक्टली एक्सेस करेंगे, क्या करेंगे, इनडायरेक्टली, माया मतलब वाया दिस। ये क्या होगा, इसको एक्सेस कर रहा है, मतलब आप इसको एक्सेस करो, इसके अंदर से हम इसको एक्सेस करेंगे ऐसा। तो अगर मैं इसको एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोलू ना, लास्ट 1 मिनट है, जैसे आपके घर में पानी का टाकी है, ठीक है, अगर आप पानी के टाकी को, पानी का टाकी है, पानी भर रहे हो, तो घर के सभी मेंबर उस पानी के टाकी को पानी का इस्तेमाल कर सकते हो, मगर बाहर का आदमी आपके घर के पानी के टाकी से पानी ले सकता है क्या, नहीं ले सकता है ना। तो दैट पर्टिकुलर वाटर, वो जो पानी का टाकी है, वो प्राइवेट बन जाता है। क्या बन जाता है, प्राइवेट, हाँ, मगर आप ही के बिल्डिंग में एकदम टॉप फ्लोर पे टाकी और लगी है, ये सारे फ्लैट को मिलता है, तो वो क्या बना, वो आपके बिल्डिंग के लिए एक्सेसिबल है, बाकी दुनिया के लिए नहीं, तो वो पब्लिक।